हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच आरके अस्पताल को 8 और आईसीयू बेड मिले। नगर परिषद सभापति टांग ने किया आईसीयू और परिषद की ओर से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। जिला अस्पताल में अब 25 आईसीयू बेड। राज्य संबंध। देश व राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच आरके जिला चिकित्सालय के आईसीयू में राज्य सरकार की स्वीकृति पर 55 लाख रुपए की लागत से 8 और नए बेड लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला अस्पताल में आईसीयू में अब कुल 25 बेड हो गए हैं, जिससे यहां अब एक साथ 25 जनों को भर्ती कर उपचार किया जा सकेगा। बेड स्थापित होने के बाद नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने भी अस्पताल पहुंचकर इसका निरीक्षण किया। सभापति टांक ने बताया कि शहर के जिला अस्पताल में पूर्व में मात्र 12 आईसीयू बेड ही थे। इस पर पूर्व में कोरोना की आई दूसरी लहर के दौरान यहाँ राज्य सरकार ने 5 बेड स्वीकृत किए, जिस पर यहाँ 17 बेड हो गए थे। वहीं बाद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिला अस्पताल में जल्द ही 8 और बेड उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि उसी घोषणा के तहत उनके प्रयासों से राज्य सरकार ने आरके जिला अस्पताल को अब 8 और आईसीयू बेड प्रदान किए हैं। इन सभी नए स्वीकृत बेड को अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई सहित सभी सुविधाएं और जरूरतों से जोड़ते हुए स्थापित कर दिया गया है। इस तरह कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से पूर्व अब जिला अस्पताल के आईसीयू में 25 बेड की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसको लेकर सभापति टांग ने आईसीयू का अवलोकन किया। इस दौरान अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित पुरोहित ने उन्हें पूरी जानकारी दी। उनके साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष नारायण लाल सुथार, पार्षद मांगीलाल टांग, हेमंत रजक, भगवती लाल कुमावत, नरेंद्र पालीवाल, पुष्कर श्रीमाली आदि भी थे। सभापति टांग ने ऑक्सीजन प्लांट का कार्य भी देखा। सभापति टांग ने बाद में जिला अस्पताल परिसर में नगर परिषद की ओर से बनवाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्य को भी देखा। इस दौरान कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर इसके कार्य में आ रही समस्याओं का अधिकारियों को तत्काल समाधान करवाने हेतु जल्द से जल्द काम पूर्ण करवाकर प्लॉट से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू करवाने के निर्देश दिए। जागरूक टीवी के राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।